वर्क एनर्जी पावर, वर्क के बारे में डिस्कशन हो चुका है बेटा। वर्क डन था आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी था एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ मोशन, तो उसे हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। एबिलिटी बिकॉज ऑफ पोजिशन, तो उसे हमने कहा था ग्रेविटेशन एनर्जी MgH, राइट। एबिलिटी बिकॉज ऑफ कॉन्फिगरेशन, जैसे कि स्प्रिंग वाला, तो उसे हमने कहा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आपको लास्ट टर्म पे जाने, और लास्ट टर्म कौन सा है, पावर, राइट। पावर का सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। तो सिंपली यू कैन से पावर इज इक्वल टू वर्क डन, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। क्या होता है पावर, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, राइट। और यू कैन ऑल्सो राइट पावर इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर। जितना वर्क करोगे उतना एनर्जी में ट्रांसफर होने वाला है, सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज एनर्जी ट्रांसफर डिवाइड बाय टाइम। तो पावर इज इक्वल टू सिंपल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। ओके, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड अगर आपको इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, पावर इक्वल टू व्हाट इज वर्क डन फोर्स एफ डॉट डी। वर्क डन क्या सीखा था आपने, एफ डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट, राइट, डिवाइड बाय टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी। सो आई कैन राइट दिस एफ डॉट डी बाय टी, एंड डी बाय टी इज नथिंग बट वेलोसिटी। सो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट वी। क्या फॉर्मूला है बेटा पावर का, एफ डॉट वी। तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाना है, पावर मिल जाना है। सो पावर इज स्केलर क्वांटिटी, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। पावर का डायमेंशन क्या है बेटा, पावर का डायमेंशन है एम वन एल वन टी माइनस, सॉरी एम वन एल टू टी माइनस थ्री। बेटा पावर के यूनिट्स कौन कौन से है, पावर का एसआई यूनिट है वॉट। पावर का ऐसा यूनिट कौन सा है, वॉट। पावर का एक और यूनिट है जिसे हम कहते हैं एचपी, एंड वन एचपी, वन हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। बेटा वन एचपी कितना होता है, 746 वॉट। फिर कुछ और यूनिट एनर्जी के है, एनर्जी के, तो पावर तो यहां पे कंप्लीट हो गया है, हम कुछ एनर्जी के यूनिट्स लिखेंगे, एनर्जी यूनिट्स। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है बेटा, जूल। फिर एक और यूनिट होता है अर्ग, अर्ग कितने जूल होता है बेटा, 10^7। फिर होता है कैलोरी, कितना होता है कैलोरी, 4.184 जूल। फिर एक और होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होता है 1.6 × 10^-19 जूल। फिर एक और होता है किलोवाट आवर, 10 स्टैंडर्ड, 3.6 × 10^6 जूल, वन यूनिट 3.6 × 10^6 जूल। तो ये सारे एनर्जी के यूनिट्स है, और ये दो पावर के यूनिट्स है, वॉट एंड एचपी, हॉर्स पावर, राइट। अब कोई भी मोटर आप लेने जाओगे ना, तो मोटर का रेटिंग हमेशा एचपी में होता है, कि इतने एचपी का मोटर है, उतने एचपी का मोटर है। तो एचपी का मतलब है हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर का मतलब है 746 वॉट। इसका मतलब अगर ये मोटर, अगर वन एचपी का मोटर है, वन एचपी का मोटर मतलब 746 वॉट, दैट मीन 746 जूल पर सेकंड। मतलब अगर ये मोटर एक सेकंड चला तो इतने जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, 746 वॉट अगर एक सेकंड चला तो। तो इसी तरह से हर एक अप्लायंस के ऊपर उसका पावर रेटिंग लिखा होता है, राइट। तो मान लीजिए कि अगर ये ट्यूबलाइट 40 वॉट का है, तो 40 वॉट का मतलब है कि अगर ये ट्यूबलाइट एक सेकंड चला तो 40 वॉट कंज्यूम करेगा, 40 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर एक सेकंड चला तो। इसी तरह से हर एक अप्लायंस के ऊपर उसका पावर रेटिंग लिखा होता है, और साथ में वोल्टेज रेटिंग लिखा होता है कि उसको कितने वोल्टेज पे आपको ऑपरेट करना है, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट द पावर, सिंपल सा टॉपिक है बेटा। पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क डन बाय टाइम। वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, सो डी बाई टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वी। सो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, इज इट क्लियर, ओके। चलिए अब चल देंगे नए टॉपिक के ऊपर, और नया टॉपिक आ रहा है कोलिशन इन वन डायमेंशन। बहुत ध्यान से देखना, इसको डेरिवेट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो लेट्स से दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी u1,
वी हैव अनदर मास एम टू राइट नाउ इट इज स्टेशनरी. अब इन दोनों के बीच में हो गए कोलिशन एंड लेट्स से देयर इज एन इलास्टिक कोलिशन. कैसा कोलिशन हुआ? इलास्टिक. अब कोलिशन अलग अलग टाइप के होते हैं राइट. इन ऑल टाइप ऑफ कोलिशन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. कोलिशन किसी भी टाइप का हो मोमेंटम तो कंजर्व होता ही होता है. इसका मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिशन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिशन मस्ट बी सेम. कोई भी टाइप का कोलिशन क्यों ना हो राइट. नाउ इफ द कोलिशन इज इलास्टिक देन द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व. व्हाट विल कंजर्व? काइनेटिक एनर्जी. अब देखो हर बार ये नहीं होगा क्योंकि जब टक्कर होगी तो शायद साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, हीट प्रोड्यूस हो सकता है, लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है राइट. तो अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, लाइट प्रोड्यूस हुआ तो फिर एनर्जी लॉस हो जाएगी. तो उस केस में टोटल एनर्जी कंजर्व होनी नहीं है. बट देयर आर सर्टेन कोलिशन जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, उसे कहते हैं इलास्टिक कोलिशन. सो हमें डिराइव करना है द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक कोलिशन. इलास्टिक कोलिशन का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि टक्कर के बाद उनका स्पीड कितना हो जाएगा राइट. सो चलिए यहां पे कौन सा कोलिशन हुआ इन दोनों के बीच में? इलास्टिक. हम भी लिखेंगे कि इलास्टिक कोलिशन क्या है राइट. इलास्टिक कोलिशन और कोलिशन के बाद दोनों बॉडी का सपोज स्पीड है, इसका स्पीड अब टक्कर के बाद हो चुका है सपोज वी वन और बेटा इसका स्पीड हो चुका है टक्कर के बाद वी टू. तो हमें ये V1 V2 फाइंड करना है कि टक्कर के बाद स्पीड क्या होगा. तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये केस दिया है जहां पर ये बॉडी स्टेशनरी है. हम जनरल केस भी डिराइव कर सकते हैं जहां पर ये बॉडी भी पहले से मोशन में हो. थोड़ा सा लंबा होता है डेरिवेशन बट हो सकता है, नॉट दैट डिफिकल्ट राइट. बट हम टेक्स्ट बुक का केस ही डिस्कशन करेंगे. सो वी राइट यहां फॉर ऑल टाइप ऑफ कोलिशन. फॉर ऑल टाइप ऑफ कोलिशन. For all type of collision, total momentum of system, total momentum of system is always conserved. Total momentum of system is always conserved. Why? Because at the time of collision, there is no external force. कोलिशन के टाइम पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में खाली एक्शन रिएक्शन फोर्स है, बाहर से और कोई फोर्स नहीं है. तो जब बाहर से फोर्स नहीं होता है तो टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता है. ये कहता है न्यूटन सेकंड लॉ. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता है. सो ड्यूरिंग द टाइप ऑफ कोलिशन ओनली एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट. तो रीजन इज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एट द टाइम ऑफ कोलिशन. कोलिशन के टाइम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसीलिए मोमेंटम हमेशा कैसा होता है? कंजर्व होता है. सो हमेशा आपको क्या करना है बेटा? टोटल मोमेंटम इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल. ये हमेशा रहेगा. तो अपने केस के अंदर इसका मोमेंटम कितना है बेटा? M1U1. इसका मोमेंटम क्या होगा? M20. क्योंकि अब मैंने अभी इसको स्टेशनरी लिया है. मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर कोलिशन मोमेंटम M1V1 प्लस M2V2. तो यू गॉट योर फर्स्ट इक्वेशन हियर. M1U1 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2. और आई कैन राइट, मैं इसको इस तरफ ले लेता हूं. सो आई कैन राइट हियर M1U1 माइनस V1, है ना? M1 कॉमन निकाल लिया. U1 माइनस V1 इक्वल टू M2V2. आई कॉल इट स्टेटमेंट नंबर वन. Now let's say the collision is elastic. Second point आ गया. For elastic collision. कैसा collision है बेटा? Elastic. The total kinetic energy is also conserved. Elastic collision के अंदर कोई energy loss होता नहीं है. So in elastic collision, total kinetic energy is also conserved. क्या conserve होता है बेटा? Kinetic energy. क्या conserve होता है? Kinetic energy. इसमें अगर collision elastic है तो elastic का मतलब कोई भी energy किसी भी form में loss नहीं होना चाहिए.
तभी कोलिशन इलास्टिक हो सकता है, राइट। सो व्हाट आई कैन राइट, आई कैन राइट टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनली, यस और नो, राइट। चलो ध्यान यहां पे, ओके क्या हो रहा है तो बोलना, टच कर देने का खाली है, भेजना किसी को खाली करने। चलो ध्यान यहां पे बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी, चलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ध्यान यहां पे, हाफ इंटू एम वन यू वन स्क्वायर, और दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या होगा? हाफ इंटू एम टू जीरो स्क्वायर, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट आपने कैसा लिया था? स्टेशनरी लिया था। मस्ट बी इक्वल टू, चलो फाइनली हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाफ कॉमन एंड कैंसिल कर देंगे हम हर जगह से, राइट right? ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, इसको इस तरफ ला दो, एम वन कॉमन निकाल लो, एम वन इंटू वॉट यू विल गेट यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू इंटू वी टू स्क्वायर। क्या करा बेटा हमने? हाफ कैंसिल कर दिया, और ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, राइट right? क्योंकि आपका स्पीड ही नहीं था यहां तो। फिर इस टर्म को इस तरफ ले लिया, एम वन कॉमन निकाला तो यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, एंड दैट टर्म इज एम टू वी टू स्क्वायर। आई विल कॉल इट स्टेटमेंट नंबर टू, और अब मुझे खाली डिविजन करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। मैं क्या करूंगा बेटा, स्टेटमेंट नंबर टू को स्टेटमेंट नंबर वन से डिवाइड कर दूंगा, राइट। तो व्हाट आई एम गोना डू, डिवाइड टू बाई वन। बेटा ध्यान दीजिएगा, टू में क्या है? एम वन इंटू यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू इंटू वी टू स्क्वायर, डिवाइड करना है वन से। बेटा वन में क्या था, यहां पे चेक करो, वन में था आपके पास एम वन, एम वन यू वन माइनस वी वन, और यहां पे था एम टू वी टू। चेक इट आउट, एग्री एवरीवन? चलिए क्या कैंसिल करेंगे, एम वन एम वन एम टू एम टू, कर सकते हैं कैंसिल? ओके, यहां पे आपका फॉर्मूला बनेगा बेटा यू वन माइनस वी वन इंटू यू वन प्लस वी वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस इज यू वन माइनस वी वन इक्वल टू वी टू, एक एक वी टू कट हो जाएगा, वी टू बच जाएगा, राइट। चलिए क्या कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट कैंसिल आ गए ना, तो मुझे एक जबरदस्त यहां से रिलेशन मिला बेटा, यू वन प्लस वी वन इक्वल टू वी टू, ये मुझे मिला स्टेटमेंट नंबर थ्री। अंडरस्टूड? अब मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट नंबर थ्री को जाके वन में डाल दूंगा, क्योंकि अभी वन में दो वेरिएबल है, वी वन भी है वी टू भी है, अभी वन में दो वेरिएबल है, वी वन भी है वी टू भी है, और यहां पे देखो आपके पास वी वन वी टू का एक रिलेशन आया है, आया रिलेशन देखो वी वन वी टू का। तो हम क्या करेंगे, इस थ्री को जाके वन में डाल देते हैं, पुट वी टू इन वन। चलो वन क्या था बेटा आपका, ध्यान से देखिए, वन है आपका एम वन यू वन माइनस वी वन, एम वन यू वन माइनस वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, और यहां बेटा मैं वी टू रख दूंगा ये वाला, यू अंडरस्टैंड दिस? क्या मिल जाएगा ये, एम वन यू वन माइनस वी वन इक्वल टू एम टू, वी टू की जगह क्या रखेंगे बेटा, यू वन प्लस वी वन, ठीक है। चलो ध्यान से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू यू वन प्लस एम टू वी वन। क्या फाइंड करना है हमें, वी वन एंड वी टू, तो मुझे यहां से वी वन फाइंड करना है, राइट। सो मैं क्या करूंगा, इस टर्म को सामने ले लू, एम वन वी वन प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा ये, दिस वुड बी एम वन यू वन, इस टर्म को यहां पे ला दो, माइनस एम टू यू वन इज इक्वल टू, ये इस तरफ ले लो, एम वन वी वन प्लस एम टू वी वन, ठीक है। चलो इन दोनों में से आप यू वन कॉमन निकालोगे बेटा, यू वन कॉमन निकालते ही क्या हो जाएगा यहां पे, एम वन माइनस एम टू, एम वन माइनस एम टू क्या कॉमन निकाला, यू वन। चलो यहां पे क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू क्या कॉमन निकल जाएगा बेटा, वी वन। सो वी वन क्या आ गया आपका, देखो वी वन आ गया, टक्कर के बाद पहले बॉल का वेलोसिटी हो जाएगा एम वन माइनस एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन, ये हो गया टक्कर के बाद के पहले बॉल का स्पीड पर इलास्टिक कोलिशन। गॉट इट एवरीवन? तो दूसरे बॉल का स्पीड क्या होगा, लेट्स यूज स्टेटमेंट नंबर थ्री। वी टू क्या है बेटा, यू वन प्लस वी वन, आई राइट हियर फ्रॉम थ्री, फ्रॉम थ्री वी कैन राइट वी टू इक्वल टू यू वन प्लस वी वन। वी वन कितना आया बेटा, ये रहा
V1 रखो, चलो M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। ध्यान से, अभी भी गलती हो सकती है यहाँ पे। LCM लेंगे बेटा, LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U1, ब्रैकेट ओपन करो यहाँ पे, चलो प्लस M1 U1 माइनस M2 U1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, क्या कट हो जाएगा, M2 U1। चलो M1 U1 प्लस M1 U1 क्या हो गया बेटा, 2 times M1 U1 में बाहर लिख दूंगा ऐसे, और यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे क्या जाएगा, M1 प्लस M2। तो बेटा टक्कर के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट का स्पीड इतना हो जाएगा। कंडीशन क्या है आपका, दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा था, स्टेशनरी था, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा था बेटा, स्टेशनरी था, राइट। सो कौन कौन से स्टेप हमने लिए, हमने पहला लिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हर एक कोलिशन में होता है, तो वहां से आपको पहला स्टेटमेंट ये मिला। दूसरा हमने लिया अगर कोलिशन इलास्टिक है तो और क्या कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो स्टार्टिंग का एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हमने इक्वल करा ताकि हमें एक और रिलेशन मिले जो ये रहा। अब इस रिलेशन को पहले वाले रिलेशन से डिवाइड कर देना है ताकि आपको ये रिलेशन मिला। अब ये V2 जाके आप पहले वाले रिलेशन में डाल दो, इसमें इसमें V2 डाल दो आप, ये रहा। सिंप्लीफाई करो, सारे U वाले एक तरफ ले जाओ, सारे V वाले एक तरफ ले जाओ, सिंप्लीफाई करो, आपको V1 मिल जाएगा। V1 को जाके वापस यहां पर रखो, आपको V2 मिल जाएगा। तो ये कब का वेलोसिटी है बेटा, जब दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा हो, स्टेशनरी हो। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा हो तो, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं आपको लिख के बता देता हूं। इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, आई विल हैव वन मोर स्लाइड हियर, कीप इट, एक और स्लाइड जोड़ेंगे यहाँ पे, चलो ध्यान यहाँ पे सबका, सीधे एक और स्लाइड जोड़ेंगे, ओके, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। बेटा ध्यान यहाँ पे, इफ बोथ आर मूविंग फॉर्मूला क्या होगा देखो, इफ both objects are moving, if both objects are moving, बेटा अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, है ना, अब क्या होगा, चलो अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इन दैट केस योर आफ्टर कोलिशन वेलोसिटी V1 एंड V2 जो हमें फाइंड करना है, राइट। अब ब्रैकेट बनाओगे U1, ब्रैकेट बनाओगे U2, क्योंकि अभी दोनों के पास स्पीड होगा, ब्रैकेट बनाओगे U1, ब्रैकेट बनाओगे U2, डिनोमिनेटर फिक्स है, डिनोमिनेटर आएगा M1 प्लस M2, सब में डिनोमिनेटर आएगा M1 प्लस M2। अब आप आगे वाले को यहां पे ना रिलेट करो, ध्यान से देखना, जब एक ही में स्पीड था तो आपका V1 क्या आया था, U1 के साथ क्या आया था बेटा, M1 माइनस M2, क्या आया था U1 के साथ, M1 माइनस M2, है ना, और V2 में क्या आया था, U1 के साथ आया था 2M1, ऐसा आया था ना, yes। इसी को आप यूज करो, यहां पे 2M1 है ना, तो इसमें ऊपर क्या होगा 2M2, यहां पे M1 माइनस M2 है तो यहां पे क्या होगा M2 माइनस M1, हो गया बस। तो अगर दोनों के दोनों स्टार्टिंग से मोशन में है और कोलिशन कैसा है बेटा, इलास्टिक, ये फॉर्मूला खाली किसके लिए लेना है, कोलिशन कैसा होना चाहिए, कंपलसरी इलास्टिक, राइट। अब एक और केस देखते हैं जहां पे आपका कोलिशन कंप्लीटली इन इलास्टिक है, कैसा है कोलिशन, कंप्लीटली इन इलास्टिक, कोलिशन कंप्लीटली इन इलास्टिक, कोलिशन कंप्लीटली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कोलिशन का मतलब है कि टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट चिपक जाएंगे, टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट चिपक जाएंगे। सो कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक विद ईच अदर, कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक विद ईच अदर, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, सी, चलो क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए यहां पे, ये M1 U1, ये M2
यू टू, लेट्स से इट इज जीरो, सपोज ये स्टेशनरी है, राइट, सपोज ये स्टेशनरी है, ठीक है, हम जनरल केस की बात करेंगे जहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी रखेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका केस इजी रहेगा, बाकी बहुत लंबा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थियरी में इतना डेरिवेशन काम का नहीं है। आप ये भी डिराइव कर सकते हो, ये भी डिराइव, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में यही डेरिवेशन था, अब एनसीईआरटी में एक बॉडी को स्टेशनरी करके डिराइव करना है जो अपने ने करा वैसे। चलो बेटा टक्कर के बाद यहां क्या होना है, टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट चिपक गए, अगर चिपक गए तो उनका स्पीड भी कॉमन हो जाएगा, दैट इज वी, चिपक गए ना तो उनका स्पीड कॉमन हो जाएगा, सेम ही स्पीड होगा दोनों का, है ना, मैं तुम दोनों को देख रहा हूं, अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि सर को नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है, अभी सीधे अंदर से लात मारूंगा मुंह के ऊपर, सच में कह रहा हूँ, दोनों को इमेजिन कर लो कैसा लगेगा मैं कैसा लगूंगा इमेजिन करो, लात खाओगे तो, है ना, इनको लगता है सर को पता ही नहीं कि ये तो यहां पे क्या कर रहे हैं। भाई सर की गाय की आंख है पूरी घूमती है ऐसे, क्या समझता है तू अपने आप को, चले जाने यहां पे, जाने यहां पे, चलो तो पहला बेटा आपको एक चीज तो हमेशा कंजर्व करनी है, और वो क्या, मोमेंटम, सो मोमेंटम तो कंजर्व होना ही होना है, चलो बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन, चलिए क्या कहता है मोमेंटम कंजर्वेशन, स्टार्टिंग में कितना मोमेंटम है बेटा, m1 u1, ये तो स्टेशनरी है, अब ये दोनों चिपक चुके हैं तो मास क्या हो जाएगा, m1 plus m2 से दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा v, तो टक्कर के बाद इतना वेलोसिटी हो जाएगा बेटा m1 u1 डिवाइड बाय m1 plus m2, ये हो गया टक्कर के बाद का वेलोसिटी, अगर दोनों ऑब्जेक्ट चिपक गए तो उसे क्या कहेंगे, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिशन, एंड फॉर कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिशन आई एम इंट्रोड्यूसिंग वन टर्म कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज इक्वल टू जीरो, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी आगे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, राइट, चलो ओके, अब अगर मान लो कि कोलिशन आपका इलास्टिक नहीं है, एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ है, अगर एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ है, व्हाट डज इट मीन एनर्जी लॉस हुआ है, कितना एनर्जी लॉस हुआ है, लेट्स फाइंड आउट, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस हुआ होगा, राइट, लॉस हुआ है तो आप लिख सकते हो यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में था हाफ m1 u1 स्क्वायर, फाइनली दोनों चिपक गए हैं तो मास क्या लेंगे m1 प्लस m2 और स्पीड क्या लेंगे v स्क्वायर, ये v आपने फाइंड कर लिया है, ये रहा, ये v जाके वहां रखेंगे, ठीक है ना, चलो क्या होगा बेटा ये हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, चलो v की जगह क्या रखना है m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्या करेंगे उसका होल स्क्वायर, बेटा ध्यान से देखना यहां भी आप गलती कर सकते हो, हाफ इंटू m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एक m1 प्लस m2 कट हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, नीचे पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, एक ब्रैकेट काटेगा तो नीचे एक ब्रैकेट बचेगा, हाँ कहे ना, परफेक्ट, चलो अब क्या करेंगे दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे बेटा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, यहां बचेगा 1 माइनस यहां पे एक m1 बच जाएगा और नीचे बचेगा m1 प्लस m2, एग्री, हाफ कॉमन m1 कॉमन u1 स्क्वायर कॉमन, यहां कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, इधर एक m1 बच जाएगा, चलो एलसीएम लो बेटा, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे ऊपर आएगा m1 प्लस m2, इसका m1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा ऊपर m2 डिवाइड बाय, सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू m1, वेट, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, ये क्या है आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, दिस इज योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m2 अपन m1 प्लस m2, तो इतना काइनेटिक एनर्जी आपका लॉस हो जाएगा, क्या फ्रैक्शन रहेगा वो फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, तो बेटा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस वुड बी डेल्टा के डिवाइड बाय इनिशियल, फ्रैक्शन का मतलब है लॉस डिवाइड बाय इनिशियल, तो नीचे इनिशियल को डिवाइड कर दो, कितना फ्रैक्शन एनर्जी
लॉस हो जाएगा एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, ये लॉस है, और कितना फ्रैक्शन एनर्जी रिटेन होगा, रिटेन कितना होगा, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन, तो बेटा रिटेन कितना एनर्जी होगा, दैट इज इक्वल टू वन माइनस लॉस फ्रैक्शन, टोटल में से लॉस का फ्रैक्शन निकाल दो तो बाकी फ्रैक्शन आपने सेव करा है, तो इसको वन में से माइनस कर दो, एलसीएम लोगे तो एम टू कट हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा एम वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, तो इतना फ्रैक्शन एनर्जी रिटेन होगा और इतना फ्रैक्शन एनर्जी लॉस होगा अगर टक्कर के बाद दो बॉडी चिपक जाते हैं तो। अंडरस्टूड? अब मैं आपको इसका एक और जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं, बिकॉज यहां पे आपने यू वन जीरो लिया है, यू टू जीरो लिया है आपने, व्हाट इफ देयर इज यू टू ऑल्सो, अगर बेटा यू टू भी है, ध्यान से देख लेना इसको, अगर यू टू भी है तो आपके जनरल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यहां पे आपका जनरल फॉर्मूला होता है डेल्टा के लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वन एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन माइनस यू टू होल स्क्वायर, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन नॉन इलास्टिक कोलिशन और इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन, तो आप इसको ना सिंपली रिलेट करो हाफ एम बी स्क्वायर से ही, वही है ये हाफ एम बी स्क्वायर ही है, मास की जगह क्या लेना है एम वन एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, और स्पीड कौन सा लेना है रिलेटिव यू वन माइनस यू टू, स्टार्टिंग में जो रिलेटिव स्पीड था ना आपको वो लेना है u1 minus u2 whole square, तो ये half mv square ही है, mass की जगह क्या लेंगे m1 m2 divide by m1 plus m2, and speed कौन सा लेना है relative लेना है, अगर दोनों body contact में है और दोनों body टक्कर के बाद चिपक जाए तो ये केस है आपका inelastic collision जहां पे आप देख सकते हो दोनों body चिपक गए हैं, और ये आपका केस है फॉर द इलास्टिक कोलिशन जहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कंजर्व होगा, अंडरस्टूड? ओके, सो आई विल राइट हियर ई, कोलिशन के लिए बेटा एक टर्म आता है ई, को हम कहते हैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या कहते हैं इसे हम, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या होता है ये कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बेटा सेपरेशन वेलोसिटी का मतलब है v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, फाइनल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है उसे क्या कहेंगे सेपरेशन वेलोसिटी, एंड अप्रोच वेलोसिटी का मतलब है u1 माइनस u2, अप्रोच वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा u1 माइनस u2, मतलब जो कितने स्पीड से अप्रोच कर रहे थे और टक्कर के बाद कितने स्पीड से वो सेपरेट हो रहे हैं उसका जो रेशियो है ना सेपरेशन स्पीड डिवाइड बाय अप्रोच स्पीड, उस रेशियो को हम कहते हैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, राइट? अगर कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू वन है तो कोलिशन कैसा होगा परफेक्टली इलास्टिक, कैसा कोलिशन होगा परफेक्टली इलास्टिक, अगर कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो है बेटा जीरो कब आएगा जब बी वन बी टू सेम होगा, बी वन बी टू सेम कब होगा जब दोनों बॉडी चिपक जाए तो फिर एक ही स्पीड से आगे जाएंगे सेपरेट होना ही नहीं है तो ये कौन सा कोलिशन हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक, और बाकी सारे केसेस में आपका ई कैसा होता है लेस देन वन होता है फॉर द नॉन इलास्टिक कोलिशन, फॉर द नॉन इलास्टिक कोलिशन, सो इट इज अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ कोलिशन, ये वाला डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल वेलोसिटी का सो आपको आना चाहिए, चलिए बेटा आप लोग लिखना इसको करेंगे शुरू, राइट? हाँ पावर से लिखना आपको